मॉर्निंग सलाम नमस्ते आफ्टर द जिम. क्या बात है, आज हम जिम के बाद मिल रहे हैं. वेलकम बैक टू माई चैनल. हेयर आई प्रेजेंट येट अनदर इजी पीजी रेसिपी ऑफ चिकन सैंडविच. यस, जिम के बाद कुछ तो हेल्दी खाना है, नहीं तो ये वर्कआउट का कोई फायदा नहीं है. इसलिए चिकन सैंडविच आप सबके लिए एक ईजी रेसिपी है. कम ऑन, लेट्स सी हाउ इट गोज. कोल्ड चिकन सैंडविच के लिए बहुत थोड़ा सा सामान लगेगा. चिकन ऑफकोर्स. चिकन मैंने थोड़ा सा बॉयल करके छोटे छोटे पीसेस मिंस करके रखा है. आप चाहे तो बड़े पीसेस भी डाल सकते हैं, मैंने छोटे छोटे पीसेस लिए हैं. और हर बाइट में आते हैं तो अच्छा लगता है. रेड स्लाइसेस ऑफकोर्स. लेटिस के कुछ पत्ते लिए हैं और मैंने लिया है गार्लिक पेस्ट एंड ऑफकोर्स नमक और ब्लैक पेपर. लेटिस के ऊपर हम मस्टर्ड सॉस लगाएंगे, डिफरेंट टेस्ट आएगा, टैंगी टेस्ट. और ये कोल्ड सैंडविच के लिए हमें लगेगा मेयोनीज. मैंने दोनों चीज़ें वीवा ब्रांड के लिए हैं, आप किसी भी ब्रांड के यूज़ कर सकते हैं. सबसे पहले एक बाउल में हम चिकन, मेयोनीज और गार्लिक पेस्ट मिक्स कर लेंगे. इसमें ऑफकोर्स नमक और ब्लैक पेपर भी डाल देंगे. लगभग 3 टेबलस्पून का क्वांटिटी लगेगा मेयोनीज का. इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी चाहिए इसकी. और मेयोनीज लगेगा इसमें थोड़ा सा. आप चाहें तो थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसमें. सिर्फ इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करने के लिए डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है मिल्क इसमें. मैं मेयोनीज ही डालूंगी क्योंकि मैं वर्कआउट कर चुकी हूँ जिम में. अभी सैंडविच तैयार करते हैं. सबसे पहले प्लेट में एक ब्रेड स्लाइस रख देंगे, उसके ऊपर मस्टर्ड सॉस स्प्रेड कर देंगे. मस्टर्ड सॉस थोड़ी सी तीखी रहती है, थोड़ा सा ही डाला है मैंने. उसको अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे. आप चाहें तो इसके साइड्स भी काट सकते हैं ब्रेड के. मुझे नहीं पसंद ब्रेड स्लाइस काटना, साइज़ और छोटी हो जाती है, उतने बनाने पड़ते हैं फिर सबके लिए. दैट इज़ द ट्रिक एक्चुअली. अब इस पर एक लेटस डाल देंगे. लेटस नहीं रहेगा तो भी चलेगा. अभी दूसरे स्लाइस पे चिकन मेयोनीज का जो हमने स्प्रेड बनाया है वो लगा देंगे. ये अपने चिकन सैंडविच का सेकेंड लेयर हो गया है. क्या क्रीमी लग रहा है ना एकदम. अभी थर्ड स्लाइस पे वापस मस्टर्ड सॉस लगा देंगे और इसको बंद कर देंगे. थोड़ा सा लेटस भी डालेंगे, मुझे लेटस ज़्यादा पसंद है. एक लेटस की लेयर और कर देंगे. और ये तीसरी स्लाइस पे भी मैंने मस्टर्ड सॉस लगाया है और ये सैंडविच सील हो गया है. इन्हें कोल्ड सैंडविच अब चाहें तो थोड़ा सा और फ्रीज में रख के घंटा भर सर्व कर सकते हैं, पर अभी मुझे बहुत भूख लगी, मैं ऐसे ही खाने वाली हूँ. और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ Do like, comment and subscribe my channel and keep watching. Thank you.